नमस्कार, मैं रिंकू, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र अभी कोरोना संक्रमण से उभर भी नहीं पाया है कि अब जीका वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। पुणे के बेलसर गांव में जीका का पहला मरीज सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुणे के स्वास्थ्य विभाग ने जिलाधिकारी के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। बैठक के दौरान उन जिलों और गांवों की सूची जारी की गई है जहां पिछले कई वर्षों से जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। जिला कलेक्टर ने सूची को देखते हुए पुणे के 79 गाँव को जीका के लिए संवेदनशील घोषित किया है। जीका वायरस एडीज मच्छरों से फैलता है। ये मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाते हैं। इसीलिए प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में डेंगू चिकनगुनिया के लक्षण दिखते हैं तो उसका भी जीका वायरस का टेस्ट होगा। प्रशासन ने जनता से साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की है जिससे मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। ये थी एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।